हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना जो है वो सेकंड चैप्टर का भाषा संहिता पेज नंबर 11 है ना, वो स्टार्ट करेंगे। भाषा संहिता मैंने आपको बताया था, भाषा संहिता आपको ग्रामर और कंपोजिशन के रूप में लिखना है, बराबर है। पीछे कंपोजिशन लिखना है, आगे भाषा संहिता लिखना है। जी हमारा शायद फर्स्ट है भाषा संहिता, है ना। इसमें ग्रामर आपको लिखनी है, जो भी आपके टेक्स्ट बुक में ग्रामर आती है वो आपको लिखना है। टेक्स्ट बुक ही लिखना है, बाकी वर्कबुक में नहीं है, क्योंकि हमारा सेम है दोनों, थोड़ा बहुत अलग है वर्कबुक में, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक का ही लिखना है, ठीक है। तो पेज नंबर 11 निकालो। पेज नंबर 11 में ये आपको चित्र दिख रहा है, देखो यहाँ पर है ना, ये चित्र दिख रहा है। तो इसमें सब लोग जो है क्रियाएं कर रहे हैं कुछ ना कुछ, है ना, ठीक है, और कोई ना कोई बात कर रहे हैं। तो हिंदी में क्या होता है, भाषा में जब भी कोई बात हम करते हैं, जब भी हम किसी से कुछ कहते हैं, तो उसको जब हम बोलते हैं, है ना, या फिर पढ़ते हैं, तो उसको जब हमको वो चीज क्लियर करनी पड़ती है ना, लिखते हैं जब हमको क्लियर करनी पड़ती है कि तो उसके लिए जो है वो चिन्हों का प्रयोग होता है, या फिर थोड़ा रोकना पड़ता है, उसके लिए हम कोई ना कोई चिन्ह लगाते हैं। तो रुकावट का जो संदेश देते हैं उनको, जो लिपि होती है, उसको क्या कहा जाता है, चिन्ह, ठीक है। अब देखो इसमें ये घर दिख रहा है आपको, इसमें ये सब लोग खड़े हुए हैं, ये खिलौने बना रहे हैं बच्चे, ये सब है। तो पहला वाक्य देखो, लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई, है ना। तो ये कोई बात जब कही जाती है, जब डबल इनवर्टेड कॉमास में लिखते हैं, और क्वेश्चन प्रश्न पूछ रहा है वो तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो पहले क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, बाद में जो भी है कॉमा वगैरह वो सब लगाते हैं। शिक्षिका ने पूछा, पूछा के बाद फुल स्टॉप, क्योंकि वाक्य पूरा हो गया है। वाह गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है, वाह मतलब एक्सक्लेमेटरी साइन है, जिसको आप इंग्लिश में पढ़ते हो, है ना, तो वो साइन है, इसलिए आपको क्या लिखना है, वाह के बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन, गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है, फुल स्टॉप। किशन ने कहा, फिर हमको रुकना पड़ा, कोई व्यक्ति कह रहा है तो नीचे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आता है, सिंगल कॉमा आता है, हाँ बेटी, फिर कॉमा, मैं तुम्हें खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा, फुल स्टॉप, ठीक है। क्यों, वहां कोई तकलीफ है, तो क्यों के बाद रुके हैं, इसलिए अल्प विराम बोलते हैं उसको, छोटा वाला कॉमा लगाना है नीचे, वहां कोई तकलीफ है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपको विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे होता है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, वो आपको इसमें सीखना है। तो अब उसकी डेफिनेशन पे, सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन लिखनी है विराम चिन्ह की, जहां मैंने टिक मार्क किया है, पीडीएफ में आपको आएगा। किसी भी भाषा को बोलते पढ़ते और लिखते समय उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या वाक्यों के अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है हमको, ठीक है। इस रुकावट का संकेत जो देते हैं, जो देती है लिपि, उसको हमको जो चिन्ह यूज करते हैं हम लोग, उनको क्या कहते हैं, विराम चिन्ह, ठीक है। विराम करना मतलब रुकना, ठीक है। अब विराम चिन्ह, पंक्चुएशन जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो, यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखे हैं, तो आपको समझ आए, पूना मैडम ने पढ़ाए हैं आपको फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर ये ग्रामर में, बराबर है, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नहीं आएगा तो ये अगर समझ में आ गया तो इंग्लिश का बहुत जल्दी आ जाएगा समझ, ठीक है। तो विराम चिन्ह में सबसे पहला होता है पूर्ण विराम, जिसको आप बोलते हो फुल स्टॉप, तो इंग्लिश में फुल स्टॉप डॉट से लगा देते हो, है ना, लेकिन हिंदी में जो है एक लाइन ऐसे करते हैं, जैसे ऊपर के एग्जाम्पल से देखा है आपने, मोहन ने पत्र लिखा, ठीक है, फुल स्टॉप, सीता स्कूल नहीं गई, फुल स्टॉप, पूरा वाक्य पूरा हो गया, उसके अंत में इसको लगाया जाता है वाक्य पूरा होने के बाद, पूर्ण विराम समझ में आया। सेकेंड है हमारा अल्प विराम, ये नीचे कॉमा लगता है, अल्प विराम का प्रयोग थोड़ी सी देर रुकने के लिए होता है, बराबर, या रुकने का संकेत कोई हो उसके लिए होता है, जैसे राम फिर कॉमा सीता और मोहन घर गए, हम ऐसे नहीं बोलते राम सीता मोहन घर गए, ऐसा डायरेक्ट ही बोलते हैं, थोड़ा रुके, रोको मन कॉमा जाने का, ठीक है। थर्ड आता है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको इंट्रोगेटिव बोलते हो आप, है ना, क्वेश्चन मार्क जिसको लगाते हैं हम, किसी भी व्यक्ति से कोई जानकारी जब हम लेते हैं तब इसका उपयोग होता है, जैसे क्या तुम स्कूल गए थे, है ना, तो हमको जानकारी लेना है उसकी, है ना, तुम क्या कर रहे हो, है ना, आप कहाँ जा रहे हो, बाहर कौन खड़ा है, तो हम किसी को पूछ रहे हैं प्रश्न, तो जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसके अंत में इसका उपयोग होता है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क आपको मालूम है, ऐसा लगता है क्योंकि हर बार क्वेश्चन लिखते हो, हिंदी में भी ऐसे ही लगता है, इंग्लिश में गुजराती में सब में क्वेश्चन मार्क ऐसे ही लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइफन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में योजक चिन्ह,
योजक चिन्ह जो होता है ये आपके लिए नया है। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। जैसे कोई दो शब्द हम लोग लिखते हैं ना, एक साथ लिखते हैं, वो हमारे अपोजिट भी हो सकते हैं या फिर कोई सेम सेम भी हो सकते हैं। जैसे धीरे धीरे तो डैश है ना, हाइफन बोलते हैं उसको, डैश धीरे हाइफन धीरे। जैसे सुख दुख एक साथ ही लिखते हैं हमेशा, माता पिता तो योजक चिन्ह लगता है, पाप पुण्य ये ज्यादा करके अपोजिट में आप क्रॉस लगाते हो, लेकिन जब हिंदी में लिखते हैं वो अलग होता है, देश विदेश तो योजक चिन्ह लगेगा। ठीक है, निर्देशक चिन्ह उसको डैश कहा जाता है। तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है कि हमको वो बात क्लियर हो जाए, जैसे कौन कह रहा है ना, जैसे कि मोहन ने अपने मित्रों डैश कौन कौन मित्र थे, राकेश आकाश अविनाश से रुपए मांगे, तो मित्रों के बाद डैश आ गया तो हमको पता चला कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, हमको वो बात को स्पष्ट कर देते हैं। जैसे ग्राहक डैश इस पुस्तक का क्या मूल्य है, तो ग्राहक क्या रहा है ये स्पष्ट हो गया। अगर हम ये चिन्ह नहीं लगाएंगे तो ग्राहक इस पुस्तक का क्या मूल्य, हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ग्राहक के बाद डैश, फिर दुकानदार डैश यह 25 रुपए की है, पुस्तक आ गया समझ में। नेक्स्ट है हमारा ब्रैकेट जिसको बोलते हैं कोष्ठक, ये मालूम है आपको, ऐसा लगता है ऐसे भी लगाते हो है ना, ब्रैकेट है ना। तो ब्रैकेट का किसी भी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो है वो हिंदी में कोष्ठक का यूज होता है। जैसे अध्ययन कर क्षेत्र में लाभ देता है, तो अध्ययन का मीनिंग किसको समझ में ना आए तो हम लोग ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं पढ़ना। ठीक है, दूसरा है विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, तो विरुद्धार्थी अगर किसको समझ में ना आए तो हम लोग ये ब्रैकेट बना के लिख देते हैं विलोम शब्द, विरोधी शब्द। ठीक है, तो ये आपका ये पूरा हो गया। अब है इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास जो है वो दो टाइप के हैं, जैसे आप लोगों को इसमें है इंग्लिश में आता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमास और डबल इन्वर्टेड कॉमास है ना। तो सिंगल को बोलते हैं इकहरा अवतरण चिन्ह और इसको बोलते हैं दोहरा अवतरण चिन्ह। तो इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग जो है किसी का उपनाम लिखना हो है ना, फिर या फिर किसको रचना या पुस्तक का शीर्षक लिखना हो है ना, उसके लिए यूज होता है, बराबर है। आगे मैंने बता दिया, तो जैसे समझदार नन्ही पाठ के लेखक शंकर सुल्तानपुरी हैं, तो समझदार नन्ही सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लिखना। ठीक है, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है, तो निराला किसमें लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास आया समझ में। फिर है डबल इन्वर्टेड कॉमास, किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का यूज होता है। जैसे मतलब या हम किसी से कोई बातचीत करें या फिर कोई हमसे कुछ बात कहे, ठीक है ना। जैसे मैंने रमेश से पूछा कॉमा कल आप कहाँ गए थे, तो ये सब डबल इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं। ठीक है, वैसे ये देखो गांधी जी ने कहा है कि डैश करके फिर इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमास में प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है, इन्वर्टेड कॉमास फुल स्टॉप की बात क्लोज करना करते हैं। ठीक है, शास्त्री जी ने नारा दिया फिर वापस वैसे ही जय जवान जय किसान रुकना है, इसलिए नीचे कॉमा लगाने का। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया, तो इतना यहाँ तक आपको पीडीएफ में लिखना है। अब यहाँ पे हमारा जो है वो ग्रामर का पोर्शन खत्म होता है, इतना ये सब कुछ लिखना है, इसमें ये हेडिंग डालने का, ये डेफिनेशन लिखने का और इसके एग्जाम्पल लिखने का। इसी तरीके से आपको किसमें लिखना है, ग्रामर बुक में, ये होमवर्क है। ठीक है, और वर्कबुक का भी एक पेज आपको आएगा तो वो वर्कबुक में लिख लेना, बाकी ये सब आपको किसमें लिखना है, ग्रामर बुक में आगे की तरफ लिखना है। ये पहला ही ग्रामर का आपका चैप्टर है। ठीक है ना, भाषा सज्जता शब्द जहां भी लिखा है वो आपको ग्रामर बुक में लिखना है, ऐसा आपको हर कई चैप्टर में लिखा हुआ आएगा, वो उसमें आपकी ग्रामर आएगी, बराबर है ना। तो उसमें जो भी आपको ग्रामर पूछी जाती है वो आपको, ये पहली बार आपको आया है इसलिए बता रही हूँ भाषा सज्जता है ना, ग्रामर तो वैसे हम लोग कर ही रहे हैं। आ गया सर ने, तो यहाँ पे जो हमारी वीडियो पूरी होती है, बराबर है, और ये सब कुछ लिख लेना। अभी टेस्ट भी आपको आएगा, बराबर है ना, और टेस्ट भी जो है किसमें करना है, सप्लीमेंट्री में करना है, बराबर है। तो यहाँ पे हमारी ये कंप्लीट होती है, थैंक यू।